हेलो वेलकम बंधुरा, आज के जो भिडियोटी आलोचना करब से हे स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस ऑफ इंग्लिश वर्ड। आगे जो भिडियोटी छिलो सेटी हे द इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात इंग्रेजी बानान। आज के स्पेलिंग इंग्रेजी जो स्पेलिंग रही है सेगुली शेखा, तारपर नेक्स्टे चले जाब सेंटेंस, सेंटेंसर भाग, तारपर रही है सबजेक्ट प्रेडिकेट, विभिन्न धरण टपिकगल आस्ते आस्ते शेष कर देव। तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखो ये भिडियो देखार जो। अर्थात हमें प्रति सप्ताह दूटा तीनटे चार्टा स्पोकन इंग्लिशर खूब गुरुत्वपूर्ण जो टपिकगल रही है सेगुलि के लिए आलोचना करब। आजकल भिडियोटी एखे शुरू करोरा अवश्य भिडियो देखो और भाव लगले अवश्य लाइक कमेंट सबसक्राइब करते भूलना। तुम्हारा एखे देखते स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस इंग्लिश वार्ड माने होच्छे इंग्रेजी शब्द बनान। अर्थात एक इंग्रेजी शब्द के कीभावे बनान बा उच्चारण करते हैं तार विस्तारित आज के भिडियो रही है। प्रोनाउंस अफ इंग्लिश वाइल्स एखे एक टपिक रही है और एक टपिक रही है नेक्स्ट पेजे। तो ये तुम्हारा देखते प्रोनाउंस अफ इंग्लिश वाइल्स, प्रोनाउंसेशंस अफ इंग्लिश वाइल्स माना कि वाइल्स मैंने तुम्हारा आगे जानो जो स्वरवर्ण। ताहले कि होच्छे स्वरवर्णेर उच्चारण, आमी तुम्हारे आगे बोलेछि जे वाइल्स बा स्वरवर्ण छाड़ा कोनोदिनो कन्सोनेंट बा व्यंजनवर्ण उच्चारण करा सम्भव नय। तुम्हारा धरे रखो जे एखाने बानान लिखेछि आमी कैट, सी ए टी अर्थात विड़ाल। कैट बानानटाके लिखते गेले तुम्हारे सी तारपर ए दीते हय तारपर टी दीते हय। ताहले एखाने ए शब्दटि रयेछे कि एटा होच्छे वाइल। ताहले तुम्हारा बुझते पारछो एकटि स्वरवर्ण के बा सॉरी व्यंजनवर्ण बानान के लेखार जन्य तुम्हारे अवश्य वायलर प्रयोजन पड़े अर्थात स्वरवर्णर प्रयोजन पड़े। ताहले तुम्हारा एखाने देखते पाच्छो सी ए टी कैट, एखाने एटी होच्छे वायल। तो एटीकेई बला होच्छे प्रोनाउंस अर्थात वायल्स बा स्वरवर्णर प्रयोजन हय। ताहले कन्सोनेंट बानान लेखार जन्य तुम्हारे वायल स्वरवर्णेर अवश्य प्रयोजन पड़े। तार मध्य एबार चले जाब सेट, एखाने सेट बनान लिखेछि तार मध्य इ होच्छे कि ए इ आई ओ यू, एई चारटि होच्छे वायल्स तार मध्य एखाने इ उच्चारण होयेछे, इ होच्छे वायल। अर्थात जे कोनो व्यंजनवर्ण कन्सोनेंट शब्द के लेखार जन्य अवश्य वायलर बा स्वरवर्णर प्रयोजन, एटी आमी आगे बोलेछि एखनो बोललाम। तार मध्ये एखाने तोमरा चले जाबे तोमरा एखाने देखते पाच्छो ए वायल्स दिए किछु शब्द, ए एक वाइल्स ए इ आई ओ यू, ए समस्त शब्दगुलि होच्छे वाइल्सर शब्द। वाइल माने कि स्वरवर्ण, जेमन फादार, कार, साम, फोर। इ दिए तुम्हारा देखते पाच्छो बिग, डेल, एग। आई दिए बिग, बियंड, काइंड, माइंड। ओ दिए गो, नो, रोल, साम इत्यादि शब्द। यू दिए बोट, बुल, क्यूट, लिउट इत्यादि शब्द उच्चारण करा जाए। सेमी वाइल आमरा आगे बोलेछि सेमी वाइल वाई, वाई एवं डब्ल्यू एवं वाई के सेमी वाइल बोला है। तार मध्ये तुमरा देखछो तो टू, टी डब्ल्यू ओ टू, डब्ल्यू आई एन डी विंड, वाई आर एस, वाई आर एन, एसब सेमी वाइलर शब्द। नेक्स्ट आमरा चले जाब सेटी होच्छे गुरुत्वपूर्ण एक शब्द के दो तीन टी वाइल दिए लेखानो जाए सेगुली के बला है डिप थिंग, डिपोथिंग वार्ड। जेमन जे आई एन एखाने ए एवं आई वाइल, ए आई वाइल एखाने इ एवं आई वाइल। ए तो एक शब्द के जखन एक बा एकाधिक वाइल द्वारा उच्चारण करा है सेगुली के डि आई पी एच टी एच ओ एन जि रिपोर्ट थिंग शब्द बला है। अर्थात किछु किछु शब्द आछे जेखाने वायल दुटी थाकलेओ रिपोर्ट थंग बला है ना, जेमन
প্লিজ ড্রিম বেড ডেট ব্রেড নিড সিড ডেট প্রভৃতি। তারপরের যে ভিডিওটি আলোচনা করছে সেটি হচ্ছে প্রোনাউন্স অফ ইংলিশ কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট কি? ইংরেজি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ। ইংরেজি ব্যঞ্জনবর্ণ কি কি? যেমন বি এফ জে এম কিউ, যেগুলি স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ, এগুলিকে উচ্চারণ কীভাবে করা হয়? ব বি এফ ফ জে গুরুকার্য এম ম কিউ ক, এই সমস্ত শব্দগুলিকে এইভাবে উচ্চারণ করা হয়। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি হয়তো আজকে খুব সহজ বা সরলই ছিল, তার মধ্যে তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছো। নেক্সটে যে ভিডিওটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ওয়ার্ড। ওয়ার্ড কি? ওয়ার্ড বা শব্দ বা পদ, ওয়ার্ডকে নিয়ে বিস্তারিত ভিডিও আসছে নেক্সট ভিডিও, 3 নম্বর ভিডিও। তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আমরা চেষ্টা করব 100 থেকে প্রায় 100টি ভিডিও আপলোড করব। তোমরা যদি প্রতিটি ভিডিও দেখে থাকো তাহলে আমি 100% শিওর তোমরা স্পোকেন ইংলিশের কোর্সটি সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার করতে পারবে খুব সহজে এবং খুব সরলে। তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে রাখতে পারো, তোমরা অবশ্যই মনে রাখো, তোমরা অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারবে, এটি আমি তোমাদেরকে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। তো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছো। যারা বুঝতে পারোনি অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিও, এবং তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। তোমাদের প্রতিটি প্রশ্নর উত্তর আমি দিব, অর্থাৎ তোমরা যারা কমেন্ট করবে তোমাদের সমস্যা, যেসব সমস্যা থাকবে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসগুলিতে সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও।